हे व्हाट्स अपनी गाइस, आपको स्वागत है हमारे चैनल मजनू गेमा वाई टीम में। तो आज हम लोग रोस्ट करने वाले हैं मिथपैट का, तो नहीं मिथ का, मिथपैट के ऊपर वीडियो बनाने वाले पायल जोन का, जो जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कैरेक्टरलेस मिथपैट। भाई आपके अंदर कैरेक्टर है, पहली बात। वीडियो का टाइटल है फाइट बिटवीन मिथपैट एंड उर्मिला बिकॉज ऑफ मिथपैट्स अफेयर्स। भाई क्या क्या है यार, किया सच में भाई साहब? पता नहीं यार, मैंने तो कभी बोला नहीं। पहली बात, तुझे कैसे पता अगर उनके बीच में फाइट हुई है तो? और ये झगड़े की जो वजह है ना, वो जानकर आप लोग चौंक जाएंगे, आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ये झगड़े की वजह हो सकती है। लेकिन गाइस यही झगड़े की वजह है, झगड़े की वजह है मिथपैट का कैरेक्टर। यस गाइस, मिथपैट का कैरेक्टर इतना ज्यादा खराब हो चुका है अभी के टाइम। पहले ना बोलने से पहले थोड़ी अपनी जबान को साफ कर, तीन चार बार तो तेरी जबान फिसल चुकी है। और कैरेक्टर, तेरा कैरेक्टर अच्छा है कि उनकी वजह से इतना ज्यादा बड़ा झगड़ा हुआ है। सुनने में आ रहा है गाइस कि मिथपैट का जब उर्मिला के साथ अफेयर था, मतलब उर्मिला उनकी गर्लफ्रेंड थी, उसी टाइम से ही मिथपैट ये सब हरकतें। गधी, अफेयर का मीनिंग तो समझ ले भाई। इस बंदी ने क्या बोला ध्यान से चुरो, और अभी सिर्फ 49 सेकंड्स हुए, ये देखो। अभी के टाइम पे कि उनकी वजह से इतना ज्यादा बड़ा झगड़ा हुआ है। सुनने में आ रहा है गाइस कि मिथपैट का जब उर्मिला के साथ अफेयर था, मिथपैट का उर्मिला के साथ अफेयर, मेरी माँ उसको अफेयर नहीं प्यार लव बोलते हैं। तू पहले ना अपनी स्कूल सुधार, फिर दूसरों को पढ़ा। पता नहीं किस बच्चे की सीट खा ली होगी तूने। थी नहीं, अभी भी है, और अभी बीवी भी हो चुकी है। सेंस तुझे आकर बोला होगा ना भाई मिथपैट ना, मेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स है, तू मेरे को मेरे ऊपर ऐसे वीडियो बना, तुझे भी कंटेंट मिलेगा, मुझे भी कंटेंट मिलेगा, मुझे भी व्यूज आएंगे, तुझे भी व्यूज आएंगे, ठीक है? अबे झूठी, पहले चैनल को तो सुधार। और तूने इस वीडियो से पहले कौन सी वीडियो डाली थी? वो सारो जोशीस पापस नो मोर। अबे ओए, अगर तेरे फादर या मदर पर ऐसे कोई बनाए तो, हाँ तुम अगर ऐसे कंटेंट के लिए ऐसे करो तो मैं भी ठीक है। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आ गए तो मैं भी पायल जोन पर 3 से 4 वीडियो ऐसे ही बनाऊंगा। पायल जोन इज नो मोर, पायल जोन ने मुझे टकला कर दिया गाइस, पायल जोन ने मेरे चैनल पर स्ट्राइक मार दी गाइस, पायल जोन ये, पायल जोन वो, पायल जोन वो, पायल जोन वो, गाइस पायल जोन ने मेरे पर केस कर दिया गाइस, मैं भी ये बना दूंगा। अपना ना थोड़ा कंटेंट सुधार ले, व्यूज के लिए ना इतनी तो मत गिर पायल। भाई साहब क्या बोलूं उसको, बीवी को बहन बना रही है, कंटेंट तू भी बनाता है और तू भी बनाती है और वो भी बनाते हैं,
तो उन्होंने ना मजाक में बहन बोला था और शादी से पहले, ठीक है। और उर्मिला ने मना भी किया था कि बहन मत बोलो, ठीक है, थोड़ा समझ गधी। तो मतलब ये चीज अच्छी नहीं होती है। मेरे पास कॉल आया था उर्मिला का, वो बहुत ज्यादा रो रही थी, मेरे को उन्होंने सब बताया कि किस तरीके से विपट ने चीट किया। हाँ कैसे मत पढ़ना, और तुझे फोन कर कर क्या क्या करेगी वो? हाँ अभी क्या कर रही होगी, हंस रही होगी क्या? हाँ अरे मिथुराज मेरे साथ ना स्कैम कर रहे, अरे पायल जोन को तो बताना पड़ेगा, अरे बाप रे बाप, वरना उसका कंटेंट कैसे चलेगा, पायल जोन को तो बताना होगा। अरे रे 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 क्या करूँ। पहली बात तेरे पास उसका नंबर कैसे है, और पहली बात उसके पास तेरा नंबर क्यों होगा, तू कौन सी 10 मिलियन वाली है? सॉरी उर्मिला दीदी का रोस्ट नहीं कर, रोस्ट नहीं कर, आसो तू कौन सी फेमस है? नहीं, फेमस तो है भाई, तू कौन सी कोई प्रधानमंत्री है भाई, तेरे पास सब सबके पास तेरा नंबर होगा। ओ यही बोला कि भाई देखो ये ऐसे आदमी के लिए तो तुम रो मत, क्योंकि अमित पैट ने गलत किया है यार। चाहे हम कुछ भी बोले, चाहे अमित पैट के फैन हो, चाहे हमें उनकी वीडियोस अच्छी लगती हो, लेकिन ये घटिया हरकत है, तो ये घटिया ही रहेगी, है ना। बहुत ज्यादा घटिया हरकत है ये, इस तरीके से अपनी वाइफ को चीट करना। ऊपर से आप बोलते हैं कि मेरी वाइफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमने इतने सालों तक डेट किया है, उसके बाद इस तरीके की हरकत करना तो बहुत ज्यादा गलत बात है। बट अमित पैट ने ये हरकत करी है और जिसकी वजह से काफी ज्यादा टूट चुकी थी उर्मिला, एंड उर्मिला ने कॉल करके मुझे बोला कि अब मैं अमित पैट के साथ नहीं रहूंगी एंड अब तो अलग हो जाएंगे। ये चीज उन्होंने मेरे को कॉल पे बोली है। मेरे को जब उन्होंने ये बात बोली कि हम अलग हो रहे हैं, मैं उस टाइम भी मैं चौंक गई, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने उन्हें अपनी तरफ से ठीक है, अगर उर्मिला ने तुझे फोन कर कर ये सब बोला होगा तो तू चौंक के नहीं, तू तो खुश हुई होगी, ओ मेरे पास कंटेंट कंटेंट। समझाया कि भाई देखो अलग होना कोई एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, आप लोग बैठ के बात करो दोनों एक दूसरे से, कुछ हो जाती है कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हमें साथ में बैठ के क्लियर कर लेनी चाहिए। लेकिन अब मेरे कहने से क्या होता है, मैंने अपनी तरफ से तो बोल दिया है कि प्लीज अलग मत हो। हाँ भाई तेरे कहने से क्या होता है, तू कहीं कैरी मिनाटी तो थोड़ी है कोई कि तेरे रोस्ट वीडियो बनाने से टिकटॉक बंद हो जाएगा। भाई थोड़ा तो रोध कर, एक्टिंग बिक्टिंग तेरे घर पर रख यार। पहले तेरी तो कोई रिस्पेक्ट कर ले, फिर उनकी कर लेंगे हम, उनकी तो कर ही ले हैं, तेरी तो कोई रिस्पेक्ट करता भी नहीं है। हाँ तो ठीक है, 1 मिनट, अगर बोला है तो उर्मिला को अपने वीडियो में ला, कॉल पर वीडियो कॉल पर ला, दोनों फेस टू फेस रहो, फिर बात करो, या हमें वो कॉल रिकॉर्डिंग सुना दो जो तुमने बात करी थी, वो भी नहीं तो हमें ठीक है, हमको उर्मिला दीदी से कहला दो, हाँ भाई मैंने सब किया बोला है। हाँ फिर हम मार लेंगे कि तुम थ्रू तो कंटेंट की देवी पायल जोन सच्ची है, क्या वो सच्ची है या झूठ, चलिए देखते हैं इस वीडियो के बाद, अगर तूने डाला तो ओके, नहीं तो तू फेक है फेक। जो भी मैंने मेरे को गाइस उर्मिला ने बताया है वो मैंने आप सब लोगों को बता दिया है। सो हाँ, अब जैसे ही आगे कुछ और खबर मिलती है अलग होने की या जिस भी तरीके की कोई खबर मिलती है गाइस, मैं एक और वीडियो बना के आपको बता दूंगी, क्योंकि मेरा काम ये है आपको अपडेट रखना जो भी यूट्यूबर्स की लाइफ में चल। मेरा काम ये है
जो भी यूट्यूबर है उनके फैमिली वाले को मारना या उससे यूट्यूबर को मार देना, वरना मेरा कंटेंट कैसे चलेगा यार। कंटेंट फिर मेरे घर पैसे कैसे आएगा? राशन भैया, बाबू भैया, पैसे का चक्कर, बाबू भैया पैसे का चक्कर। पहली बात, जो बंदी अपने घर भी इतनी बात तुझे बता रही है कुछ समझ कर, तू ऐसे खुलेआम सबको बताएगी? हाँ, खुलेआम सबको बताएगी भाई साहब। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। तो ये तो ऐसे ही करेगी, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय बाय।